अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और भाई कलीमुल्ला और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ नबीराज यूट्यूब चैनल। दोस्तों माजरत करता हूं कि मैं दो दिन से आपके पास शेर वाली डिज़ाइन का आखिरी और तीसरा पार्ट आपकी खिदमत में पेश ना कर सका, तो उसकी माजरत चाहूँगा। आज इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में आपका भाई हाज़िर हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि आपने पहले दो पार्ट देखे, जो दोस्त सीखना चाहता है तो उसको अच्छी तरह देख सकता है। और अब हम जो आखिरी पार्ट शेर वाली डिज़ाइन का आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझें और गौर करें। और सबसे पहले मेरी ये भी गुजारिश है आप लोगों को कि अगर आप हमारी वीडियो, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों हम करते हैं अपनी डिज़ाइन को शुरू। अच्छा दोस्तों, हमने इसी रस्सी पे डिज़ाइन को ख़त्म किया था, ये 25वीं रस्सी तो थी। तो अब इसके बाद जो 26वीं रस्सी है, तो दोस्त ये क्लोज से देख सकते हैं, ये है 26वीं रस्सी। और हमने ये डाट लगाकर सब रस्सियों के नीचे हम रस्सी को निकाला है। और इधर से आप देख सकते हैं ये जो शेर की बॉडी है ये ख़त्म हुई। अब बॉडी ख़त्म है, अब जो है ये गर्दन का सिलसिला जा रहा है। तो अब ये जो थी ये तीन वाली लहर, तीन के बाद एक उठाना है, तीन के बाद एक उठाना है। अब यहाँ जो है ये चार रस्सें आप देख सकते हैं, और ये जो सिलसिला जा रहा था तो ये एक आँख और गर्दन का और मुंह का जो रुख था उसको मोड़ने के लिए ये थी हमारी 26वीं रस्सी। और इधर भी आप देख रहे हैं, जब हमने ये वाला फेरा हमने दिया था तो ये जो डाट बनाया, तो इसी डाट की वजह से हमने तीन के ऊपर गए और तीन के बाद फिर भी हमने तीन दबाए। तो ये शेर की जो है मुंह समझें या जबान समझें, तो जैसा भी समझें, तो ये भी आप देख लें, ये 26वीं रस्सी। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं 27वीं रस्सी में। तो दोस्तों ये है हमारी 27वीं रस्सी। तो ये शेर की जो पीछे वाली साइड है आप देख सकते हैं, ये चार के बाद एक वाला डाट है, आप ये डाट लगाएं। अब हम इधर से आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि ये डाट वाला सिलसिला कैसे बनता है। तो ये वही फेरा है 27वीं रस्सी, तीन दबाकर एक उठाना और तीन दबाकर एक उठाना, तीन दबाकर एक उठाना। तो जैसा कि हमने इस जगह पे चार फेरे गुजारे थे, तो हम दो फेरे इसमें से गुजार रहे हैं। तो ये देखते रहें, ये देख सकते हैं आप, ये जो है इसको ज़बान समझें या शेर का कुछ भी समझें, तो हमने इसको एक ज़बान की तरह बनाया, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हुई। इंशाल्लाह आइंदा डिज़ाइन जो तैयार हो रही है उसमें बिल्कुल आप देखेंगे तो हर चीज़ इंशाल्लाह पूरी होगी। तो अब हम चलते हैं 27वीं रस्सी में। अच्छा दोस्तों, अब ये है हमारा 27वां फेरा, जो आप देख सकते हैं वही तीन और एक वाला सिलसिला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने तीन नहीं, चार रस्सियाँ दबा के फिर हमने एक रस्सी उठानी है और एक रस्सी दबानी है। ये आप देखें, ये थोड़ा सा आँख समझें या जैसे मुंह वाला मोड़ा होता है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों ये देखें, अब यहाँ पे हमने ज़बान थी या कुछ भी था, जैसे हमने तस्वीर पे शेर को देखा था, तो ये चीज़ हमने उसकी ऐसे बनाई जैसे आप देख रहे हैं। तो ये ज़बान का सिलसिला जो है शेर का, ये भी ख़त्म हो चुका है 28वीं रस्सी में। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 29वीं रस्सी जो है, जैसे ये पहले रस्सी गुजरी थी तो उसी रस्सी के साथ में 29वीं रस्सी गुजरेगी और ये ज़बान का आखिरी फेरा होगा। आप देख सकते हैं अच्छी तरह, बाकी थोड़ा रह रहा है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने इसी रस्सी में से दो रस्सियाँ गुजारी और फिर हमने जब ये 30वीं रस्सी आई, 30वीं रस्सी आई तो यहाँ पर हमने एक उठाया, इसको भी आप समझते जाएँ, एक रस्सी उठाई और फिर हमने ये जैसे पीछे आपने डाट देखा है वैसे आगे भी वही डाट होगा। अब ये जो मेन चीज़ें थी शेर की वो इंशाल्लाह आप समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा काम रहता है, आप वो भी समझ लीजिए। अच्छा दोस्तों देखें, अब हम एक ही क्लिप में इस सारे डिज़ाइन को ख़त्म करते हैं। आप देखते रहें, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात डाट उठाने के बाद हमने इधर से डबल रस्सी, एक फेरा हमने ये दिया और दूसरा ये है। तो ये देखें कि सात डाट के बाद दो डाट इधर बनेगी और ये बनेगी शेर की आँख। ये जो लहर जा रही थी डाट की, ये इधर से देखें, ये लहर अब चलती जाएगी, लेकिन शेर की आँख के बाद ये वही फेरे हैं जिनमें कोई डाट इधर से नहीं है और इधर से नहीं है, ये आखिरी फेरा है आप देख सकते हैं। तो ये टोटल जो शेर की रस्सी हैं
वो 35 रस्सी हैं, आप जान सकते हैं। और 35 रस्सी में हमने शेर को मुकम्मल किया है। तो दोस्त, अगर कोई चीज़ दोस्तों को समझ ना आई हो तो गुजारिश करूँगा कि हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह आइंदा कोई भी चीज़ आप पूछें तो उसमें मिस्टेक ना हो। तो ये रही आपकी शेर वाली डिज़ाइन का आखिरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, और इंशाल्लाह कल से हम स्टेप बाय स्टेप मोर बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे। आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। ओके, अल्लाह हाफिज़।